की डोली तैयार खड़ी है, बाजे वाले बैंड बाजा बजा रहे हैं, लड़के वाले जल्दी मचा रहे हैं, पर मजबूर बेटी की आंखें दरवाजे की ओर लगी हैं। एक टक अभी बाबुल नहीं आया। पिता ने कहा था कहीं भी रहूं मैं अपने हाथों से तुझे आके विदा करूंगा। मजबूर बेटी एक टक आंसू बहाती दरवाजे की ओर देख रही है। और फिर कभी घर में बने हुए मां के मंदिर के आगे बैठ के सर झुकाती है, अपने बाबुल के लिए दुआ मांगती है, मेरा बाबुल जहां भी रहे सुखी रहे। मां उसने कहा था कि मैं आऊंगा, मेरी जाने की घड़ी आ गई है, मेरे विदा होने का वक्त आ गया है, मेरे बाबुल को भेज दो जगदम्बे मां। और फिर किस तरह प्रार्थना करती है, सदियों से है अपने पैदा होने से भी। कहती है बाबुल राजा तेरे सात बेटे हो तूने जुदा नहीं करता, बेटी एक भी हो तो फिर उसे जुदा क्यों करना पड़ता है। वीर सत हुंदे करो कटदाना, वीर सत हुंदे दाना, तीक भी कर ना समा सकी, वे जड़ी तुरन वेले करो गई रोंदी, ओनू मां न चुप करा सकी। कहा लग जाती थी तू ढेरों सूट ले आता था, कोई मुझे घूर के देखता था तू उसकी आंखें निकाल लेता था, मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दे झाड़ू दूर फेंक देता था, कहता था तेरे हाथ मैले हो जाएंगे। और आज
कहती है नीति ये रानी ये बस नहीं माँ प्यादा ती ये रानी ये बस नहीं माँ प्यादा ऐथे आन के हिम्मतां हारियां ने वर लब के वारना पिया तैनू बेशक तियां पुत्रां मेरा आखिया
खुशियां मांगती है, घर में सुख मांगती है, घर से विदा होने लगती है, जाती दफा भी चावल फेंकती जाती है, कहती जाती है बाबुल राजा मेरे बाद भी तेरा ये गुलजार, तेरा ये वेड़ा हरा भरा रहे। नाल नहीं कुछ ले